17 अगस्त बुधवार की चुनिंदा खबरों के साथ मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हल षष्ठी पर शहर के अलग अलग जगहों पर हुए पूजा विधान, संतान की खुशहाली और कुशलता के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी शंकर धुरवा ने किया पदभार ग्रहण। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पहली बार जगदलपुर में कर रही है भव्य आयोजन। और बैडमिंटन प्रतियोगिता की हुई शुरुआत, 5 जून से आ रहे हैं खिलाड़ी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, आज पूरे प्रदेश में हल षष्ठी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगदलपुर के कुम्हारपारा स्थित शिव मंदिर में भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए नगर की महिलाएं प्रतिवर्ष हल षष्ठी का व्रत रख पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का इस दिन जन्म हुआ था, उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। व्रतधारी महिला राजकुमारी वर्मा और हेमा राय ने हमें हल षष्ठी के विषय में जानकारी दी। छठ तिथि को हल छठ महारानी के व्रत करते हैं और विधि विधान से उसमें शंकर पार्वती का भी पूजा होता है, छठ की पूजा होती है। 6 प्रकार के लाई प्रसाद चढ़ती है, 6 प्रकार की जो भी है अनाज का लाई है, महुआ है, जो भी बनता है वो सब 6 प्रकार की चढ़ाते हैं। भैंस का दूध चढ़ता है, भैंस का घी चढ़ती है, भैंस का दही चढ़ाते हैं छठ के लिए। और औलाद के लिए करते हैं, पुत्र कामना के लिए करते हैं, निसंतान को संतान होता है। अपने मन से इच्छा से जो व्रत करते हैं बेटा, तो हल छठ महारानी जरूर पूजा करती है। और मुझे भरोसा है और सबको भरोसा है, छठ का जो पूजा करेगा वो निसंतान नहीं रहेगा। कमर छठ पूजा को हम बहुत खुशी से मनाते हैं, सभी लड़कियों को इतना खुशी लगता है, बाल बच्चे के मनोकामना के लिए, खुशी के लिए, जो निराश है उनको खुश लाने के लिए, सभी चीज़ के लिए कमर छठ पूजा हम करते हैं। और कमर छठ पूजा में इतना विश्वास है कि हमारे हर खुशी हर मनोकामना पूरा होता है। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान है। हल षष्ठी के दिन महिलाएं व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश, कार्तिक और माता पार्वती और छठ माता की पूजा के लिए हल षष्ठी की कथा सुनती है। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में आज के दिन भैंस के दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं किया जाता। इन सभी मान्यताओं को लेकर नगर की महिलाओं ने पूजा विधान संपन्न किए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 11 से 15 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं कई नदियों के उफान पर होने की वजह से दर्जनों परिवार का घर तबाह हो गया। इंद्रावती नदी के तेज बहाव में डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में निवासरत कक्षा 6वीं की छात्रा नम्रता मंगलवार को सुबह तेज बहाव में बह गई थी। SDRF के जवानों को काफी मशक्कत के बाद उक्त छात्रा का शव बरामद हुआ। तेज बहाव की चपेट में आने से 2 छात्रों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। इंद्रावती के तेज बहाव के चलते 3 छात्राएं नम्रता, पूनम, मलीजा तेज बहाव की चपेट में खेलते खेलते आ गई थीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा 17 से 21 अगस्त को बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने 5 डिवीजन के खिलाड़ी बस्तर आ चुके हैं। बस्तर जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता सुबह 9 से रात 9 बजे तक चलेगी। ये स्टेट टूर्नामेंट है, पूरे छत्तीसगढ़ से हैं और सभी खिलाड़ी जो हैं रायपुर के हैं, नेशनल खिलाड़ी भी कुछ इसमें आए हुए हैं। इसमें सीनियर्स और मास्टर्स माने वेटरन्स 35+ से 70 तक, इसमें करीब 22 इवेंट्स हैं और छत्तीसगढ़ से लगभग सभी जगह से, बस्तर से, बीजापुर, पटनम से लेकर जसपुर और अंबिकापुर, इधर राजनांदगांव, सभी खिलाड़ी इसमें आए हैं।
शासन प्रशासन और यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं और हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए, सभी का इसमें काफ़ी योगदान है। इंदिरा स्टेडियम में होने वाले इस खेल प्रतियोगिता का 17 अगस्त को विधिवत शुभारंभ हुआ है। हमने बात की एक महिला खिलाड़ी डॉक्टर शलाखा प्रधानी से। इससे पहले भी खेल चुके बट इस समय का टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा और काफ़ी लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यहाँ के जो ऑर्गेनाइज करने वाले कमेटी वाले बहुत प्यारा कार्यक्रम इस समय का रख रहे हैं एंड जो कि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है बोल के यहाँ पर खेल ले रहे हैं। जी जी फ्रेंड्स भी है एंड ये कैटेगरी शायद 55+ 60+ तक का टूर्नामेंट अभी हो रहा है। बगौन ब्लॉक विभिन्न ग्राम पंचायत की आवास घर 130 से 200 घर टूटकर क्षतिग्रस्त होने से विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि खामोश हैं, ये कहना है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा संयोजक नवनीत चांद व जिला अध्यक्ष भरत कश्यप व जिला उपाध्यक्ष नीलांबर सेठिया ने बकावन ब्लॉक के ग्राम पंचायत में अब तक 130 से 200 घर टूटने से जनता परेशान है। इस दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे युवा बस्तर जिला अध्यक्ष नीलांबर सेठिया ने विभागीय अधिकारी को सूचित कर मुआवजा की मांग लगातार कर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी शंकर धुरवा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बुधवार 17 अगस्त को शहीद वीर नारायण सभागार में समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। मंत्री निवासी लखमा के प्रतिनिधि के तौर पर सांसद दीपक बैज ने शपथ ग्रहण की विधि पूरी करवाई। शंकर धुरवा ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उन्हें सहकारिता के क्षेत्र में काम करने का एक अवसर प्रदान किया है। इसी कड़ी में आज वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में 1949 से ये बैंक निरंतर किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। वर्तमान में 46 बैंक शाखा और 2058 सहकारी समितियां संचालित हैं। विशाल भूभाग में फैले बस्तर की जनता की मांग पर 16 नई बैंक शाखाओं की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जिसका संचालन शीघ्र ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे किसानों को सुगमतापूर्वक खाद बीज और दवा उपलब्ध कराते हुए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के किसान हितैषी निर्णय के कारण किसानों में खुशी है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शंकर धुरवा स्वयं किसान हैं तथा वे परिश्रमी और ईमानदार हैं। शंकर धुरवा की शिक्षा दीक्षा अंचल के किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान वनोपज संग्राहक भूमिहीन मजदूरों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के महज 2 घंटे के भीतर किसानों के कर्ज माफी का निर्णय लिया, जो अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। इस सरकार द्वारा किसानों को निरंतर उनकी उपज का अधिक मूल्य प्रदान किया गया है। ये कार्य कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की जेब में निरंतर पैसे डालने का ही परिणाम है कि यहाँ मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि यहाँ किसानों द्वारा कोई आंदोलन नहीं किया गया है। इस अवसर पर स्व सहायता समूह और किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का चेक प्रदान किया गया। इसमें तुकापाल विकास खंड के बेड़ागुड़ा की नई राह महिला स्व सहायता समूह को लिंकेज का 2 लाख रुपए, बुरुंगपाल की दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को 2.5 लाख रुपए, कुरंदी के किसान गोवर्धन को मछली पालन के लिए 2,20,000 रुपए का ऋण और कुरंदी के ही साधुराम को 2,20,000 रुपए का ऋण प्रदान किया गया। कैमरामैन योगेश साव के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। मुझे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानी भूपेश बघेल ने सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है और मैं आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर का पदभार ग्रहण किया तो निश्चित ही सरकार की मंशा है, बघेल जी का मंशा है कि किसानों के हित में जो आज योजनाएं लागू की हैं
वो किसानों तक पहुँचे। हमारा यह सहकारी बैंक निश्चित ही इस दिशा में जो किसानों का उपज का जो उपज है उसको हमारे सहकारी संस्था के माध्यम से खरीदा जाता है और हमारा ये प्रयास रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी प्रकार के दवाई हो, खाद हो, बीज हो और हमारे बैंक से ऋण लेने की जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार के परेशानी ना हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आज हमारे किसान घर से पैदा हुआ, हमारे साथ पूर्व विधायक थे 5 साल और सरकार का योजना को छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण एक योजना है, गोबर खरीदी दान खरीदी 2540 रुपये में खरीदी हो रहा है। इस साल का दान 2640 में खरीदी होगा, चाहे तेंदुपत्ता का पैसा हो, भूमि किसान का पैसा हो, बैंक के माध्यम से मिलना है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोले, मुख्यमंत्री का भेंट मुद कार्यक्रम में सब लोग बैंक मांगे हैं, इसलिए हमारा आदिवासी लोग यहाँ के किसान चाहे सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो सब लोग बहुत खुश है और ऐसा व्यक्ति को बैंक का अध्यक्ष बना ये किसान लोग का काम को गंभीरता देगा, अच्छा होगा। जगदलपुर के पथरागुड़ा स्थित भगत सिंह स्कूल को बाढ़ पीड़ित राहत शिविर बनाए गए हैं। इस शिविर में कुल 42 प्रभावित लोग रह रहे हैं। शिविर के इंचार्ज ने ये बात कही। अभी यहाँ पर 42 लोग रुके हुए हैं। जी जी जी। और अभी उनके नाश्ता तैयार हो गया, अभी यहाँ से नाश्ता तैयार करके शिविर केंद्र पहुँचाए जाएंगे। जी जी जी। जहाँ जहाँ लोग रुके हैं। हाँ, ये कितने शिविरों के लिए नाश्ता बन रहे हैं अभी? 4 शिविर है और ये अपना इस तरफ है नर्सरी। जी जी। टोटल 5 जगह खाना पहुँचेगा। कितने लोगों के लिए होगा ये? लगभग सब मिला के 250 के आस पास होगा। जी जी। तो अभी बाढ़ की स्थिति क्या बनी हुई है? पानी का स्तर कम होते जा रहा है। जी जी। शाम तक कम हो जाए। अच्छा, अभी लोगों का जाना हो रहा है क्या यहाँ से शिविर स्तर से? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे, लगभग दोपहर के बाद शायद जाना हो जाए, क्योंकि धूप निकलेगा थोड़ा उनका घर उठ सकेगा। इस शिविर में रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि उन्हें दी जाने वाली भोजन सामग्री गुणवत्ता विहीन है। हमने बात की एक प्रभावित से। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? रिलायंस के नीचे पेडोल ऑफिस के सामने। हाँ जी। ये क्या हो गया उस तरफ? पानी भर गया है सर। कितने दिन से? 2-3 दिन हो गए। 3 दिन हो गया। तो आप लोग कहाँ आए हैं अभी? अभी स्कूल में आए हैं, भगत सिंह स्कूल में। तो यहाँ पे आप लोगों को व्यवस्था हो रहा है खाने पीने सोने का? सोने के लिए व्यवस्था हो रहा है, लेकिन खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। क्या परेशानी आ रही है? खाना पीना बना रहे लेकिन सही बना के नहीं दे रहे हैं, थोड़ा खाना वाला कैसे टाइप से बन रहा है खाना? क्या क्या दे रहे हैं खाने में? खाने में दाल सब्जी, दाल चावल। तो इसमें गुणवत्ता नहीं है? नहीं, ऐसे ही है। क्या है, खाना है ना सही साइड बना के नहीं दे रहे। हाँ। खाना है ना वो फिर सी हो रहा है। अच्छा, मतलब कच्चा है। तो उससे तबीयत खराब हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पहली बार जगदलपुर में भव्य आयोजन कर रही है। सिरासर भवन में होने वाले इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की अपील की गई है। स्थानीय पत्रकार भवन में इस्कॉन के पदाधिकारियों ने पत्रवार्ता के दौरान ये जानकारी दी। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन की तरफ से जगदलपुर शहर में पहली बार एक भव्य जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि शहर के बीच में है सिरहासर भवन में, जिससे कि सारे लोग आ पाएँ। तो मेरे सारे शहरवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस उत्सव में भाग लीजिए और इसको सफल बनाइए। इसके साथ ही जो सारे शहर के युवा हैं उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, क्या सूचना है कि हर साल जो है इस्कॉन एक विप्लव नामक एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें कि भारतवर्ष से हर कोने से युवा भाग लेते हैं। पिछले साल विप्लव वृंदावन में हुआ था, जिसमें कि लगभग 3,500 युवाओं ने भाग लिया, और इस साल ये गोवर्धन में होने वाला है, जिसमें कि 5,000 युवा भाग लेंगे। तो मेरे शहर पूरे शहर के युवाओं से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम अगर आपको उठाना है तो आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ जुड़िए और इस उत्सव में हमारे साथ चलिए। धन्यवाद। 19 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में
सुमधुर संकीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें ड्राइंग, फैंसी ड्रेस इत्यादि होंगे, साथ ही नृत्य नाटिका, महाभिषेक, प्रसाद वितरण होगा। कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का नजरिया में बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने दिव्यांगजनों की दिव्यांगता जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र सहित सहायक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिव्यांग को राशन कार्ड, पेंशन और यूडीआईडी कार्ड सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। नियमित खबरों के लिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और इसके साथ ही अगली खबर तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।